SRK। सबको पता है SRK यानी शाहरुख खान, लेकिन आज से SRK मतलब सारे रिकॉर्ड्स खत्म, क्योंकि इस फिल्म के बाद सिनेमा हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे। दुनिया भर में शाहरुख खान की नई फिल्म जवान हो चुकी है रिलीज। मैंने देखा सुबह सुबह 5:45 का शो, सुबह सुबह अर्ली शो की जो टिकट बुक होती है ना, वह असल में रियल वाले फैंस होते हैं, चाहे वह सिनेमा लवर्स हो या किसी एक्टर के अलावा, जिनको रिव्यू से तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वह निगेटिव है या पॉजिटिव। उनको चाहिए बस एंटरटेनमेंट और ऐसा अर्ली मॉर्निंग शो का क्रेज। मैंने इसके पहले KGF, RR, आर पठान और गदर 2 के लिए देखा था, और अब आई है SRK की जवान, और सुबह के फर्स्ट शो के लिए 150-200 से भी ज्यादा लोगों की भीड़। देखी मैंने थिएटर्स में कैसे है यह मूवी, आइए बात करते हैं। यह मूवी आपको स्टार्ट होते ही दो ऐसे बैक टू बैक सीन्स आपके सामने रखती है, जिससे इस फिल्म से आपकी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। साथ ही सस्पेंस भी क्रिएट हो जाएगा कि यार ये सब हो क्यों रहा है, जिसको अभी असली क्लाइमेक्स में रिवील किया जाता है। सीधे तौर पर बात करूं तो एक्शन, ड्रामा, बैक स्टोरी, कनेक्शन, रोमांस, सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर, हीरो विलन, दोनों का स्वैग और एक सीट से बांध कर रखने वाली स्टोरी। अगर आपको देखनी है तो जाओ जवान देखो। आप चाहे SRK फैन हो या ना हो, बस सिनेमा लवर हो और भरपूर एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये मूवी आपको जरा भी बोर नहीं करेगी। ऊपर से मैं पूरी तरह क्रेडिट देना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर एटली को। इसके डायरेक्शन के लिए दिस इज कॉल्ड परफेक्ट डायरेक्शन। सिनेमेटोग्राफी से लेकर इसके डायलॉग्स, स्लो मोशन एंट्रीज, एक्शन सीक्वेंसेस एवं पैट्रियोटिक वगैरह, सब कुछ आप बस एंजॉय करने वाले हो। मूवी हालांकि ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, फिर भी आप बोर नहीं होंगे। स्पेसिफिक अगर बात करूं तो 2 घंटे 50 मिनट की, लेकिन इसके टाइट स्क्रीन प्ले की वजह से और इंटरवल में किए दुगने धमाके की वजह से मूवी जरा भी लेंदी नहीं लगेगी। जहां स्टोरी ऐसे इंसान की है जिसके पास्ट में कुछ अनहोनी हुई है, और उस वक्त उसने किसी को एक प्रॉमिस किया था जो उसको पूरा करना है। अब वह प्रॉमिस क्या था, पास्ट में हुई वह अनहोनी क्या थी, क्यों SRK अलग अलग रोल्स में हमें नजर आ रहे हैं, वह सब कुछ आपको फिल्म में बड़े ही सिस्टमैटिक एंड थोड़े अतरंगी अंदाज में दिखाया गया है, जो अंदाज आपको सीट से बांधे तो रखेगा ही, साथ ही कुछ एक मौके पर आपको हंसाएगा भी। फिल्म में दिखाए गए सारे एक्शन सीक्वेंस बड़े पर्दे पर देखने में मजा जरूर आता है, और SRK के जितने भी लुक्स है, वह सारे लुक्स रिवील करते वक्त हर बार एटली ने उन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जिस अंदाज में दिया है, उसमें साउथ वाला टच आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो साउथ बॉलीवुड का मैशअप होकर आजकल जो सनशाइन सीरीज हमारे सामने रखी जा रही है, उनसे एक्चुअली ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी वाइड होता जा रहा है। साउथ का स्वैग वाला एक्शन बॉलीवुड के किंग खान के परफॉर्मेंस के साथ मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एंड इसी वजह से यह फिल्म आराम से फर्स्ट वीक के कलेक्शन में ही अपना पूरा बजट वसूल कर लेगी। जितनी भी कास्ट है SRK और सभी ने अपना बेस्ट दिया है, और साथ में अनिरुद्ध का म्यूजिक हर कैरेक्टर के स्वैग को अलग लेवल तक पहुंचा देता है। हाँ, कुछ एक सॉन्ग्स है जो मुझे बस ठीक ठाक लगे, शायद 1-2 बार और सुने तो अच्छे लगने लगेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो SRK की इस फिल्म को भले ही UA सर्टिफिकेशन मिला हो, लेकिन किंग खान इज बैक विद अनादर फैमिली एंटरटेनर। मेरी तरफ से आप सबके लिए यही कहना है कि मजा नहीं आया तो पैसा वापस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।